हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं मास एक्शन ला। बाकी बेसिक्स मैंने जो छोटे छोटे थे, एनर्जी गैप हुआ आपका, आपका थर्मल वोल्टेज हुआ, और जो भी मोबिलिटी हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए वो मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया। तो इस लेक्चर में हम शुरू करते हैं मास एक्शन ला से, जो आप बार बार पढ़ते हो, कब ये अप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं, इसका सिग्निफिकेंस क्या, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, फिर कुछ और बेसिक्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, वहां से शुरू हो जाएगा, फिर इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के बाद एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा, वहां से कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ थियोरेटिकल चीजें भी क्लियर करेंगे, फिर उसमें न्यूमेरिकल बेस थोड़े से करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। तो इस तरह से हम अपने लेक्चर को कैरी करने वाले हैं। तो आप भी अपने दिमाग में इस चीज को बना के रखिएगा, ठीक है, कि कैसे हमें पढ़ना है। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास एक्शन लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, जहां पे कुछ नहीं काम करता तो आप यही लगा देते हो, लेकिन इसकी अप्लीकेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि कहां यूज कर सकते हैं, कहां यूज नहीं कर सकते। होता क्या है, अगर आपने कोई सेमीकंडक्टर लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों भी होते हैं, क्योंकि थर्मल जनरेशन में हमने देखा था कि एक ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है आपका कंडक्शन बैंड में, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और उसके करस्पॉन्डिंग एक होल हो जाता है, ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड, जो वैकेंसी है, मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन अ ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज नथिंग बट होल, उसी को होल कहते हैं। तो होल यहां मूव करता है वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड में क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, दोनों मूव। अब जो जिस डायरेक्शन में करेंगे, दोनों पे चार्ज अलग अलग, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव, बट दे कॉन्ट्रीब्यूट द करेंट इन द सेम डायरेक्शन, ये आपने पढ़ा होगा और यह मैंने समझाया भी था, ठीक है। मास एक्शन लॉ क्या कहता है, इसको जब मैं आपका इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंजिक पढ़ाऊंगा तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कैसे इक्विलिब्रियम में है आपका कैरियर, जो आपको लगता होगा कि एनआई एनआई इलेक्ट्रॉन और होल्स पैदा हो गए और वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ऐसा नहीं होता है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, कंसंट्रेशन तो कॉन्स्टेंट होता है, उसी टाइम जनरेशन भी चलता रहता है, उसी टाइम रिकम्बिनेशन भी होता रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जितना जा रहे हैं ऊपर जनरेट होकर चार्ज कैरियर, उतने नीचे आ रहे हैं रिकम्बाइन होने के लिए, तो दोनों के बीच इक्विलिब्रियम रहता है और कैरियर कंसंट्रेशन आपको कांस्टेंट दिखता है। एनआई आपके कहां पे, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स एनआई इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड एनआई होल्स इन वैलेंस बैंड, क्योंकि हमेशा ये इलेक्ट्रॉन और होल अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होकर जनरेट हो रहे हैं तो हमेशा पेयर में होंगे, जबकि जब यही जब आप डोपिंग करोगे तो डोपिंग में या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा अगर पेंटावेलेंट डोपेंट है, या होल ऐड करेगा अगर ट्राईवेलेंट डोपेंट है, तो वो एक तरह के चार्ज कैरियर को बढ़ाते हैं, लेकिन वहां कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। हम देखेंगे आगे इंट्रिंजिक का जो कंडक्टिविटी होगी सेमीकंडक्टर की बहुत कम होगी, इसीलिए वो किसी यूज का नहीं होता है, उससे बहुत सारी डिवाइसेस नहीं बनाते, आप हमेशा एन टाइप या पी टाइप मटेरियल लेते हो, चाहे मॉसफेट लो, चाहे बीजेटी लो, चाहे डायोड लो, हर जगह केवल पिन डायोड है जहां पे आप इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर यूज करते हो, तो वहां कंडक्टिविटी इज वेरी स्मॉल, दैट इज नॉट यूज ऑफ प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल यूज का वो नहीं होता। तो मास एक्शन लॉ क्या कहता है कि अगर आपका सेमीकंडक्टर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और साथ में ये भी होना चाहिए, दिमाग में आप रखो, ये आपकी स्टेटमेंट देखोगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम लिखा होता है, साथ में उस पर और कोई इल्यूमिनेशन नहीं होना चाहिए, ताकि आप ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन ना उस पर कर दो, आप फोटॉन की बम्बार्डमेंट ना कर रहे हो उस पर, मतलब वो आइसोलेटेड है, दैट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, उसका टेम्परेचर क्या है, वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर रखा हुआ है, ना तो उस पर आप कोई फोटॉन या ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन कुछ नहीं कर रहे हो, और वो रखा हुआ है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कहां ले रहे हो, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कंडक्शन बैंड में, एंड होल कंसंट्रेशन जो मूव कर सकते हैं चार्ज कैरियर, जो करंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड एंड प्रोडक्ट ऑफ होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड इज इक्वल टू constant is equal to constant and if this constant is square of intrinsic carrier concentration at that temperature, intrinsic carrier concentration at that temperature, अभी पढ़ेंगे अगला intrinsic carrier concentration ही, ये intrinsic carrier concentration Ni टोटली किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनआई बढ़ता है, टेम्परेचर घटाओगे तो एनआई घटता है, तो जैसे आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, एनआई कांस्टेंट हो गया तो एनआई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, तो एन इंटू टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट थर्मल इक्विलिब्रियम तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज एनआई स्क्वायर। आप इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में कहते हो ना एन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एनआई, तो ये मास एक्शन लॉ में लगाओ, एन की वैल्यू एनआई रख दो, पी की वैल्यू एनआई, Ni square is equal to Ni, ये intrinsic के लिए भी true हो गया। अब साथ में अगर extrinsic semiconductor तो दो type का होगा, एक तो होगा वो
एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं आपको। एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डोनर कंसंट्रेशन एनडी। डोनर जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो उसका जो कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि हर एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, कहां पे? कंडक्शन बैंड में। आगे हम पढ़ेंगे जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एनडी अगर कंसंट्रेशन हमेशा किसमें होता है, आप ये ध्यान रखना, कंसंट्रेशन हम हमेशा लेंगे पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर एनडी एटम्स आपने ऐड किया है डोनर का पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हर एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा कंडक्शन बैंड में। तो कितने इलेक्ट्रॉन वो कंट्रीब्यूट करेंगे कंडक्शन बैंड में? एनडी इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एन टाइप मटेरियल में आपने पढ़ा होगा डोनर के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। ये कैसे आता है, जब मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे और क्लैरिटी लाऊंगा कि एनडी ही होता है कि थोड़ा बहुत इसमें कुछ और भी होता है, क्यों एनडी ही लेते हैं, वो चीजें वहां पे और क्लियर हो जाएंगी। अभी आपने पढ़ा होगा तो ये आपको क्लियर होगा कि ये एनडी के बराबर होता है। अब देखो यहां से अगर मैं माइनॉरिटी कैरियर, और यही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एन टाइप सेमीकंडक्टर में इज मच मच ग्रेटर देन द होल कंसंट्रेशन, इसीलिए इसको कहते हैं एन टाइप मटेरियल। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो करंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और होल करते हैं। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा करंट कंट्रीब्यूट करेंगे, होल बहुत कम है तो कम करंट, तो इसीलिए इनको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं, जो ज्यादा संख्या में है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो आप ये पी क्या हो गया, होल माइनॉरिटी कैरियर, तो उसका कंसंट्रेशन एनआई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एनडी। इसी तरह से पी टाइप में होल का कंसंट्रेशन, होल इज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड दिस इज इक्वल टू द एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन या ट्राइवेलेंट जो आपका ट्राइवेलेंट एम्प्योरिटी ऐड करते हो उसके कंसंट्रेशन के बराबर। ये पर सेंटीमीटर क्यूब में, एनआई पर सेंटीमीटर क्यूब में, एन पर सेंटीमीटर क्यूब में, पी पर सेंटीमीटर क्यूब में, हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। हम 20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, कि टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स है, हम पर सेंटीमीटर क्यूब या कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं यहां पे, जो भी लिखा हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना, आप इन सब में गलतियां करते हो। तो यहां से ये हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो गया कि मेजॉरिटी में होल्स हैं, होल्स बहुत ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज करंट में कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं ना, क्योंकि आगे हम देखेंगे कंडक्टिविटी में एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेनली पार्ट लेंगे, कंडक्टिविटी बेसिकली इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, पी टाइप में कंडक्टिविटी बेसिकली होल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, इसीलिए इसको एन टाइप या पी टाइप, तो एनआई स्क्वायर अपॉन एनए। तो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन पी टाइप इज एन इज इक्वल टू दिस एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन होल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज दिस। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनआई क्या है, एनआई स्क्वायर कांस्टेंट है। तो अगर ध्यान से देखो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन। ये एनडी या एनए क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन है। एन टाइप में आपने पेंटावेलेंट डोपिंग की, पी टाइप में आपने ट्राइवेलेंट डोपिंग कंसंट्रेशन। तो बेसिकली मास एक्शन लॉ आप किस लिए यूज कर सकते हो, टू फाइंड आउट द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड दैट माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन। डोपिंग बढ़ाते जाओ, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इस मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। क्यों, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये एनआई स्क्वायर कांस्टेंट है, अगर मैं एन बढ़ाता जाऊं, डोपिंग बढ़ाऊंगा तो एन बढ़ेगा, और इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है तो एन बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, तब जाके प्रोडक्ट ओवरऑल क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन डोपिंग बढ़ाओगे तो एन बढ़ेगा या पी बढ़ेगा, तो दूसरा माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इनवर्सली क्या होगा, घटेगा। तो ये लॉ बेसिकली माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है यूज, है ना। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ये बेसिकली अगर पूछा जाए तो यहां से माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डोपिंग कंसंट्रेशन। डोपिंग जितना बढ़ाओगे माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन घटेगा उतना, और मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन डोपिंग बढ़ाओगे एनडी तो क्या होगा, बढ़ेगा। ये भी चीज याद रखो, डोपिंग बढ़ाने से मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ता है बट माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है। सिंपल सी बात, ठीक है, क्लियर आपका। जैसे ऐड करोगे वहां से कुछ और आ जाएगा, फिर अप्रोक्सीमेटली वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहां पे ध्यान से देख लो, ठीक है। अब इसी में देखो क्या, अब जैसे कई बार आपको दे देंगे कि, अब एक चीज और मैं डिस्कस कर लेता हूं जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का कंसंट्रेशन सीधे दे देंगे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आपने ऐड कर दी 10^15 एटम्स
पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ही सीधे दे दिया, तो इतने एटम ऐड किए, हर एक एटम क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो पेंटावेलेंट है तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो ND इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू N, N का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कितना हो गया 10^15 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी NI आपको मेंशन होगा, आप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन क्या कर लोगे, फाइंड आउट। लेकिन कभी कभी वो क्या देंगे कि इंप्योरिटी कैसे ऐड कर रहे हैं, दो एटम्स टू एटम्स आप फास्फोरस, फास्फोरस इज पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, इज एडेड पर 10^8 पर 10^10 एटम्स ऑफ सिलिकॉन, इंप्योरिटी रेशियो के टर्म में दे देंगे, तब कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। ये चीज भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े। तो टू एटम्स ऑफ फास्फोरस इज एडेड 10^8 एटम्स ऑफ सिलिकॉन। अब देखो ध्यान से, यहां इंप्योरिटी रेशियो क्या हो गया, दो एटम ऐड कर रहे हैं फास्फोरस के 10^10 एटम्स ऑफ सिलिकॉन पे, तो ये रेशियो हो गया। अब इसको अगर मुझे पता हो कि एक सेंटीमीटर क्यूब में सिलिकॉन के कितने एटम्स हैं, वो गिवन रहेगा आपको कि नॉर्मली 5 × 10^22 एटम्स होते हैं सिलिकॉन के एक सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप हर 10^8 पे दो ऐड कर रहे हो, तो इतने एटम्स में कितने फास्फोरस ऐड करोगे, और ये कंसंट्रेशन ये एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो वही क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा किसका, इंप्योरिटी का। तो इंप्योरिटी का अगर कंसंट्रेशन पता करना हो, क्योंकि एनडी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी पर सेंटीमीटर क्यूब, कितने ऐड किए आपने किसको, इंप्योरिटी एटम्स को, तो दो एटम ऐड कर रहे हो पर 10^8, ये तो रेशियो है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। और डेंसिटी अगर पता हो किसकी, डेंसिटी पता हो आपकी किसकी, जो ओरिजिनल क्या है आपका, ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल आपका सेमीकंडक्टर है, 5 × 10^10 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से आ जाएगा 10^8, यहां से आ जाएगा 2 × 14, यहां से आ जाएगा 10^15, और बचेगा क्या, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने एक सेंटीमीटर क्यूब में इतने सिलिकॉन के एटम्स थे, हर 10^8 पे दो ऐड किए, तो इतने पे कितने ऐड किए, 5 × 10^22 × 2/10^8, तो इतने एटम ऐड किए आपने फास्फोरस के, इतने एटम्स सिलिकॉन पे, और ये ये एटम्स कितने में मौजूद हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपने 10^15 फास्फोरस ऐड किए एक सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये आ गया क्या, डोनर इंप्योरिटी का कंसंट्रेशन एनडी, और यहीं से आपका आ जाएगा एन इज इक्वल टू एनडी इज इक्वल टू 10^15 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कंसंट्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कितना है वो यहां पे कंसंट्रेशन यूज करते हो। तो जैसे डोपिंग बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा साथ में, जब आपका रिकॉम्बिनेशन रेट, जब ये एडिंग करोगे तो हम दिखाएंगे कि रिकॉम्बिनेशन रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और होल का कंसंट्रेशन अगर एन टाइप में है, डोपिंग बढ़ाओगे तो होल का कंसंट्रेशन घटेगा और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां से कैसे, अगर आपको इंप्योरिटी रेशियो दिया हो कि कितने इंप्योरिटी एटम कितने सिलिकॉन है कितने जर्मेनियम पे ऐड हो गए, तो वहां से इंप्योरिटी रेशियो, और जो ओरिजिनल आपका ओरिजिनल सेमीकंडक्टर है उसका डेंसिटी, उसकी पैकिंग डेंसिटी कितनी है, उसके कितने एटम्स हैं एक सेंटीमीटर क्यूब में, वो पता होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपको आपका क्या आ जाएगा, डोनर या आपका ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है तो एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन डोनर के कंसंट्रेशन के बराबर होता है इन एन टाइप, और होल का कंसंट्रेशन एक्सेप्टर के कंसंट्रेशन के बराबर होता है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली मास एक्शन लॉ इज यूज टू फाइंड आउट द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, एंड माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन, सो एज डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीजेज माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, व्हाइल मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन व्हाट इंक्रीजेज, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन व्हाट इंक्रीजेज, है ना, उसी रेशियो में वो घट जाएगा, उसी रेशियो में वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ओवरऑल क्लियर। तो आप पढ़ते हैं इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन एनआई, क्लियर, एनआई स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू बताऊं या एनआई की वैल्यू बताऊं, तो ए नॉट ई टू द पावर माइनस ई जी अपॉन 2KT इंटू टी की पावर 3/2। तो इज टोटली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर ध्यान से देखो, एनर्जी गैप इजी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यहां टी आया है, के तो कॉन्स्टेंट है, यहां भी टी आया है, और ए नॉट को ध्यान से रखना, ए नॉट इज अ मैटीरियल कॉन्स्टेंट, ये अलग अलग मैटीरियल के लिए अलग अलग होगा,
ये ऐसा नहीं कि जर्मेनियम के लिए वही होगा और सिलिकॉन के लिए वही होगा, ये कांस्टेंट तो है बट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल, इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत वेरी करती है अलग अलग मटेरियल के लिए। ऐसा भी नहीं कि एक के लिए 100 है तो एक के लिए 1 लाख हो जाएगी, इतना वेरिएशन नहीं है, थोड़ा बहुत वेरी करती है और ये डिपेंड करती है बेसिकली इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन ए पर्टिकुलर मटेरियल। तो नॉर्मली जर्मेनियम और सिलिकॉन में देखोगे तो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल विल बी डिफर स्लाइटली, दैट्स व्हाई ए नॉट इज अ मटेरियल कांस्टेंट, फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल इट इज फिक्स्ड बट फॉर डिफरेंट मेटीरियल्स इट इज डिफरेंट, है ना। तो इसको मटेरियल कांस्टेंट कहते हैं, एक मटेरियल के लिए फिक्स होगा। तो यहां पे टेम्परेचर के दो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर के क्या हैं, दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, आपका इजी अपॉन 2 kT। अब ध्यान से देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये बढ़ेगा कि घटेगा, टी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टी की पावर 3/2 बढ़ेगा, तो एनआई क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए टेम्परेचर इस फैक्टर के अकॉर्डिंग। और अगर ये वाला फैक्टर लो इजी अपॉन क्या 2 kT वाला, अब इसमें दो चीजें हैं, इजी भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है टी, अब ध्यान से देखना इजी अपॉन 2 kT, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे टी अगर बढ़ाओगे तो इजी क्या होता है, घटता है, हमने पढ़ाया था एनर्जी गैप इजी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो ये इजी घटेगा और केटी बढ़ेगा तो ये ओवरऑल क्या होगा, घटेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे इजी घटेगा और वो इजी अपॉन 2 kT को घटा देगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पे नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो भी इजी अपॉन 2 kT को क्या कर देगा, घटा देगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो ये फैक्टर है इजी अपॉन 2 kT ओवरऑल डिक्रीज होगा, क्योंकि इजी घटेगा मतलब न्यूमरेटर घट रहा है और डिनोमिनेटर टी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा, डिनोमिनेटर घट के उसको घटाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ के उसको घटाएगा, तो ओवरऑल इजी अपॉन 2 kT क्या होगा, घटेगा। अब टेम्परेचर बढ़ने पर अगर इजी अपॉन 2 kT घटेगा तो ई की पावर में माइनस अगर वैल्यू घट रही है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, मान लो अभी इसकी वैल्यू 3 है, ई की पावर माइनस 3, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने कहा इजी अपॉन 2 kT क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जब घट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2, और e की पावर माइनस 2 विल बी ग्रेटर देन क्या होगा, e की पावर माइनस 3 होगा कि नहीं, क्योंकि ये 1 अपॉन e स्क्वायर है, e स्क्वायर और e की वैल्यू 2.7 के आसपास होती है, e क्यूब, तो e क्यूब की वैल्यू ज्यादा होगी, e स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, तो 1 अपॉन e स्क्वायर ज्यादा होगा, 1 अपॉन e क्यूब क्या होगा, कम होगा, ज्यादा से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम आएगी। तो इजी अपॉन 2 kT घटता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और e की पावर में माइनस वैल्यू घटती जाएगी। अब जब e की पावर में माइनस वैल्यू घटेगी तो e की पावर माइनस वाली वैल्यू, e की पावर ओवरऑल e की पावर में माइनस अगर माइनस 2 माइनस 1 होगा तो और वैल्यू बढ़ जाएगी, माइनस 0.5 आएगा तो और वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस फैक्टर की वैल्यू जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि e की पावर में एक्सपोनेंशियल पावर में जो माइनस पावर है वो माइनस पावर घट रही है, माइनस पावर घट रही है तो इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये भी टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, ये भी टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, तो ओवरऑल एनआई टेम्परेचर के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन आप क्या कहते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने क्या होता है, ये घटेगा, एक प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। लेकिन ये लीनियरली घटेगा कि लीनियरली घटेगा कि नॉन लीनियरली घटेगा या बढ़ेगा, ये नॉन लीनियरली बढ़ेगा क्योंकि ये डिपेंड करता है टी की पावर 3/2, ये डिपेंड करता है एक्सपोनेंशियल पे। तो ये जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ जो बढ़ रहा है एनआई टेम्परेचर बढ़ाने पे, वो वेरिएशन कैसा है, नॉन लीनियर है, ध्यान से रखना। क्या है वो वेरिएशन, दैट वेरिएशन इज नथिंग बट नॉन लीनियर वेरिएशन। पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखना, अगर दो मटेरियल अलग अलग मैं ले लूं, एक सिलिकॉन एक जर्मेनियम, और टेम्परेचर टी को फिक्स कर दूं, टेम्परेचर टी अगर फिक्स हो गया, टी यहां फिक्स हो गया, यहां फिक्स हो गया, तो वेरी क्या कर सकता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, एनर्जी गैप इजी देखा था उसका 300 केल्विन पे 1.1 था सिलिकॉन का और उसका क्या था 0.72। तो अब इजी फैक्टर आ गया तो इजी अपॉन 2 kT, टेम्परेचर तो फिक्स है तो ये दोनों के लिए कॉमन है, इजी अगर स्मॉल होगा, इजी स्मॉल होगा तो इजी अपॉन 2 kT क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो e की पावर में अगर माइनस पावर कम होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब अगर एनर्जी गैप स्मॉल है तो e अपॉन 2 kT स्मॉल होगा, अगर टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया स्मॉल होगा तो e की पावर में माइनस में स्मॉल अगर कम वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब जर्मेनियम में इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कि सिलिकॉन में, जर्मेनियम में ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा, जर्मेनियम में इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू सिलिकॉन के इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन से एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर कॉमन होना चाहिए दोनों मटेरियल के लिए फिक्स, क्योंकि जब कंपेयर करो दो अलग अलग मटेरियल को तो एक सेम टेम्परेचर पे कंपेयर करोगे, सेम टेम्परेचर पे कंपेयर करें तो टेम्परेचर हर जगह कॉन्स्टेंट, वेरिएबल क्या हो गया, इजी, इजी जहां कम होगा वहां एक्सपोनेंट की वैल्यू ज्यादा होगी,
वहां पे इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जर्मेनियम में इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन इज हायर कंपेयर टू सिलिकॉन, ठीक है, क्लियर। और कहीं कहीं बुक में आपको क्या गिवन होगा, कहीं कहीं बुक में आपको यह गिवन होगा कि एनआई इज प्रोपोर्शनल टू क्या, टी की पावर 3/2। ऐसा इसलिए कहते हैं कभी कभी जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो ये वाला फैक्टर होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सपोनेंशियल में माइनस ईजी अपॉन 2kT है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन जो वेरिएशन इसमें होगा टी की पावर 3/2, ये वेरिएशन बहुत फास्ट होगा, ये वेरिएशन ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। अगर टेम्परेचर में स्मॉल वेरिएशन करते हैं तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, ये उतना डोमिनेटिंग नहीं होता। ये भी बढ़ाएगा एनआई को टेम्परेचर बढ़ाने पे, ये भी बढ़ाएगा, लेकिन ये कई बार ये ज्यादा डोमिनेटिंग होता है फॉर ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो कई बार इसके वेरिएशन को हम क्या बोल लेते हैं कि निग्लेक्टेड है, इसके वजह से जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको हम निग्लेक्ट कर दें तो उसको हम कॉन्स्टेंट मान सकते हैं कि इस वेरिएशन को हम ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, इसकी वजह से उतना वेरिएशन नहीं है। तो हम कई बार आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा एनआई इज प्रोपोर्शनल टू टी की 3/2, क्योंकि इस वाले टर्म की वजह से जो वेरिएशन है उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसको ध्यान से देना, कई बार क्वेश्चन में रहता है। तो इसको वो क्या ले लेते हैं कि इसका वेरिएशन, क्योंकि जो ईजी में वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ दैट इज नॉट वेरी लार्ज, स्मॉल वेरिएशन होता है, तो इसमें जो वेरिएशन होगा ये बढ़ाएगा तो, लेकिन स्मॉल वेरिएशन करेगा, जबकि ये सीधे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये लार्ज वेरिएशन करेगा, तो ये वेरिएशन डोमिनेट करेगा। तो हम कह लेते हैं कि इस वेरिएशन को हम अगर निग्लेक्ट कर दें तो हम लिख सकते हैं एनआई इज प्रोपोर्शनल टू टी और 3/2। तो उस सेंस में इसको ये लिखते हैं ना, ऐसा नहीं कि ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है, ये फैक्टर भी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, ये फैक्टर भी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, ओवरऑल एनआई टेम्परेचर के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, इसको ध्यान रखना। और अगर दो अलग अलग मटेरियल लेते हैं सेम टेम्परेचर पे, तो जिसका एनर्जी गैप ईजी उस टेम्परेचर पे कम होगा, टेम्परेचर कॉमन हो गया तो उस पे दोनों का एक एनर्जी गैप होगा, जिसका कम होगा उसमें एनआई ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा ईजी उसमें कम होगा क्या कंसंट्रेशन एनआई, ये ध्यान रखना। तो एनर्जी गैप ज्यादा कंसंट्रेशन कम, वैसे भी देखो एनर्जी गैप अगर आप ज्यादा लेते हो तो सोचो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो कम ही बॉन्ड टूट के कम ही इलेक्ट्रॉन वहां जा पाएंगे, कम ही होल यहां पैदा हो पाएंगे, तो ये कंसंट्रेशन कम होगा, एनर्जी गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां एक्साइट करना इजी होगा, तो ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में, उनके करेस्पॉन्डिंग ज्यादा होल्स पैदा हो सकते हैं, कहां पे आपके आपके वैलेंस बैंड में, ठीक है। तो इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू ni होता है, क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, क्योंकि वहां पे जो चार्ज कैरियर होते हैं वो केवल किसकी वजह से आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से, और कोवेलेंट बॉन्ड जब भी टूटता है एक इलेक्ट्रॉन जाता है उसके करस्पॉन्डिंग यहां एक होल छोड़ जाता है, तो पेयर में पैदा होते हैं। जबकि जब ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दोगे, पेंटावेलेंट कर दोगे, तो वहां इलेक्ट्रॉन आने का एक और सोर्स हो गया, जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एक एक इलेक्ट्रॉन, एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो वो केवल इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है और वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, वहां होल नहीं पैदा होता, इसीलिए वहां इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और होल का कम रह जाता है। जबकि P टाइप लोगे तो वहां जो ट्राइवेलेंट है वो होल जनरेट करता है केवल इलेक्ट्रॉन नहीं, तो होल का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का घट जाता है, वो P टाइप हो जाता है ना। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से हमेशा पेयर में जनरेट होंगे, जबकि जो इंप्योरिटी एटम ऐड करोगे वो एक आयन देगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, या एक पॉजिटिव आयन देगा अगर पेंटावेलेंट है और एक इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव आयन देगा और एक होल देगा अगर वो क्या है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है ना। तो वहां होल या इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं होते, या तो इलेक्ट्रॉन आता है फ्री चार्ज कैरियर के टर्म में या होल आता है, इसीलिए एक टाइप का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसीलिए या तो एन टाइप कहते हो या तो पी टाइप कहते हो। जबकि इंट्रिंजिक में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से चार्ज कैरियर जनरेट हो रहे हैं, तो या तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे नॉर्मली होल होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे हमेशा होल्स होंगे, एन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई आप हमेशा ले सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, थोड़े से और पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर पे, वहां से आपका असली शुरू हो जाएगा। तो वहां से मैं थोड़ी चीजें विजुलाइज कराने की कोशिश करूंगा, फिर न्यूमेरिकल आएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको ये चीज पढ़नी है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू
रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ए बाई एल, आर इंटू ए बाई एल। अगर इसकी यूनिट निकालोगे तो ओम, ये मीटर स्क्वायर अपान मीटर, ओम मीटर कह सकते हो, या ओम नॉर्मली हमने कहा था यहां पे यूनिट जो लेंथ की होगी वो सेंटीमीटर, क्योंकि बहुत स्मॉल डिवाइसेज होती हैं तो सेंटीमीटर में लेते हैं, तो ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर कह सकते हो। What is resistivity? ये बेसिकली अगर आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, है ना। अगर मैं एक यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ले लूं, ए क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ले लूं 1 cm², यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लूं, और यूनिट लेंथ का ले लूं क्या मटेरियल ले लूं, अगर कोई मटेरियल है सेमी कंडक्टर है या मेटल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ले लूं, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का ले लूं, और उसकी लेंथ क्या कर दूं, यूनिटी कर दूं, तो ए की वैल्यू 1 cm², अगर इसको 1 cm का ले लिया तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया आर। तो उसका उससे जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा उस मटेरियल द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिवाइस का यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लेंथ की डिवाइस ले लो, या यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का मटेरियल ले लो, उससे जो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज नथिंग बट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो की वैल्यू अलग अलग चीजों के लिए मैं लिख लेता हूं, यहां पे आप याद कर सकते हैं, बाद में मैं इस चीज को प्रूफ भी कर दूंगा जब हम इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक पढ़ेंगे, मेटल एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, और तीन तरह के मटेरियल आएंगे जहां पे पूछा जा सकता है टेम्परेचर के साथ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। मैं यहीं पे आपको लिख देता हूं उस सब चीजों को, आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मेटल का अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल ही क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ये ध्यान रखो, कंडक्टिविटी अगर हम सीख लेते हैं उसका क्या होता है, क्यू एम इंटू क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन ही होता है जो कंडक्शन कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां, होल्स ऐसा कुछ नहीं होता है। और आपको मैंने बताया था दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इन मेटल, ये 0 केल्विन पे जितना होता है वही 10 केल्विन पे वही सा हो। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर के साथ मैं वेरिएशन लिखने जा रहा हूं रेजिस्टिविटी का इन सब मेटेरियल्स में, मेटल में, एक्सट्रिंजिक में और इंट्रिंजिक में, तो मैं लिखवा देता हूं, मेटल का थोड़ा सा समझा देता हूं, एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक जब पढ़ेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यानी इस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर, व्हाइल मोबिलिटी, जब भी हम टेंपरेचर बढ़ाने की बात करते हैं तो अबव रूम टेंपरेचर की ही बात करते हैं, तो मोबिलिटी क्या होती है, घटती है टेंपरेचर के साथ, तो सिग्मा टेंपरेचर के साथ मेटल का क्या होगा, हमेशा घटेगा। क्यू कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, म्यू एन घटा टेंपरेचर के साथ, तो सिग्मा घटा मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस इन मेटल विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, ये याद रखो, है ना। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, अगर कोई चीज बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ तो कहते हैं इट इज हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, अगर कोई चीज घट रही है टेम्परेचर के साथ तो कहते हैं इट इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। जैसे एनर्जी गैप ईजी था, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता था, तो कहेंगे इट इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। व्हाइल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको कहेंगे कि Having positive temperature coefficient। तो जैसा मेटल में होता है वैसा याद रखो extrinsic, क्योंकि extrinsic की भी conductivity ज्यादा होती है, intrinsic की तो बहुत कम होती है, यहां पे भी resistivity increase करती है temperature के साथ। आगे जब पढ़ेंगे extrinsic semiconductor तो मैं दिखाऊंगा, वहां पे अगर आपको देखोगे, यहां पे थोड़ा सा मैं hint दे देता हूं आपको, sigma क्या होता है, अगर n type material है तो Q Nd into mu n होता है, और अगर P type का material है तो Q Na into mu P होता है, क्योंकि कंडक्टिविटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे डिपेंड करने लगती है, इसीलिए इसको मेजॉरिटी कहते हैं, इसको मेजॉरिटी। जो पी वाला पोर्शन यहां पे है उसकी कंडक्टिविटी, उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी दैट इज वेरी स्मॉल, उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। यहां पे एन की वजह से जो कंडक्टिविटी दैट इज वेरी स्मॉल, उसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट। और ये डोपिंग कंसंट्रेशन है, वंस डोपिंग इज डन एनडी फिक्स हो गया, अब टेम्परेचर चेंज करो तो उसके साथ तो डोपिंग कंसंट्रेशन अपने आप चेंज नहीं हो जाएगा, वो तो आपने जितनी डोपिंग कर दी ठीक है। तो अब टेम्परेचर बढ़ाओगे, एनडी फिक्स है, क्यू फिक्स है, म्यूएन क्या होगा, घटेगा, म्यूएन घटेगा तो सिग्मा क्या होगा, घटेगा। पी टाइप में भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एन ए तो फिक्स है, डोपिंग आपने फिक्स कर रखी है, म्यूपी क्या होगा, टेम्परेचर के साथ म्यूएन और म्यूपी मोबिलिटी क्या होती है, घटती है, ये घटेगी तो सिग्मा क्या होगा, घटेगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जस्ट उल्टा। और इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, वो जब इंट्रिंजिक पढ़ाऊंगा तो वहां सिखाऊंगा क्यों बढ़ती है, वहां पे हम पूरे उसको एनालाइज करेंगे, पूरे उसके जो कंडक्टिविटी होती है उसके एक्सप्रेशन को एनालाइज करेंगे, तो वहां से पता चल जाएगा क्यों बढ़ती है। जब कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगी इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में, तो ये याद कर लो। जैसा मेटल का वेरिएशन वैसा एक्सट्रिंजिक
का इंट्रिंजिक का जस्ट थोड़ा सा उल्टा, इनकेस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी जैसा वेरिएशन मेटल का वैसा वेरिएशन एक्सट्रिंसिक का, और जस्ट उसका उल्टा इंट्रिंसिक में हो जाता है। ठीक है, तो अगर रेजिस्टिविटी मेटल में बढ़ रही तो एक्सट्रिंसिक में बढ़ेगी, इंट्रिंसिक में घटेगी। कंडक्टिविटी मेटल में घटेगी, एक्सट्रिंसिक में घटेगी, लेकिन इंट्रिंसिक में क्या होगी, बढ़ेगी। जस्ट उल्टा, इसको याद रख लो। ठीक है, क्लियर। अब यहीं पर कंडक्टिविटी पढ़ लेते हैं, तो ये दो चीजें हो जाएंगी, तो छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो अभी आपको सारी चीजें बहुत इजी लगने वाली हैं। आगे जो चीजें हम पढ़ाएंगे वो सारी चीजें आपको क्या लगने वाली हैं, इजी। कंडक्टिविटी क्या सिग्निफाई करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। सिग्मा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की जस्ट उल्टा यूनिट हो जाएगी, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या कहीं कहीं ओम इनवर्स को महो भी लिखा रहता है। महो सेंटीमीटर इनवर्स को पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसको बाहर लाओगे तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या महो पर सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, या इसकी कहीं कहीं यूनिट सीमेंस भी होती है। कंडक्टिविटी की यूनिट और क्या होती है, सीमेंस भी होती है। तो वो सारी यूनिट क्या है, सेम है। ठीक है, उसको ध्यान से लिखना कि क्या है वो चीजें। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या सिग्निफाई करता है आपको, कंडक्टिविटी बेसिकली कुछ नहीं होता है, इट इज इक्वल टू चार्ज क्यू मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय मोबिलिटी। ये होता है आपका कंडक्टिविटी किसी चार्ज कैरियर की वजह से। कोई चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो रही है तो वो कितना कंडक्टिव है उस पर डिपेंड करेगा। तो आपका जब भी सेमी कंडक्टर आएगा तो उसमें ओवरऑल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, क्यू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एन, इलेक्ट्रॉन भी होगा फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट कर सकता है, उसकी मोबिलिटी म्यू एन, प्लस क्यू इंटू होल का कंसंट्रेशन भी होगा, वो भी कंडक्टिव, वो भी फ्लो हो सकता है, वो भी करंट कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्यू इंटू म्यू पी इंटू म्यू पी। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट ये होती है। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी और होल की वजह से, दोनों को ऐड क्यों करते हैं, मैंने कल बताया था दोनों फ्लो तो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं लेकिन करंट एक ही डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज एडिटिव नेचर, दैट्स व्हाई देयर कंडक्टिविटी इज गेटिंग एडेड, है ना। तो हम पढ़ेंगे बाद में, हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक में दूसरे एक को निग्लेक्ट क्यों करते हैं, एन वाले में इसको लेंगे इसको निग्लेक्ट करेंगे, पी वाले में इसको निग्लेक्ट करेंगे इसको लेंगे, होता दोनों है लेकिन एक अगर बहुत स्मॉल हो दूसरे के कंपेयर में तो उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या सिग्निफाई करता है, बेसिकली इट सिग्निफाइज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए डिवाइस ऑफ ए मटेरियल, वो कितना करंट कंट्रीब्यूट कर सकता है, कितना, अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो ज्यादा करंट कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो ज्यादा करंट कैरी कर सकता है, अगर कंडक्टिविटी कम है तो कम करंट कैरी करेगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, देखो जैसे मैं एन टाइप एन मटेरियल ही ले लूं कोई, ये उसकी कंडक्टिविटी है, और आपने पढ़ा होगा करंट डेंसिटी अगर मल्टीप्लाई ई से कर दें तो दैट इज करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो करंट आ जाएगा, है ना। तो हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं। अब अगर ये देख लो एक मटेरियल का ये सिग्मा वन है, सिग्मा वन इंटू ई, अगर एक का दूसरे का सिग्मा टू इंटू ई, अगर दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई में रखते हैं, अगर मैं कहूं सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू, अगर है दो मटेरियल लिया, एक की कंडक्टिविटी सिग्मा वन है एक की कंडक्टिविटी सिग्मा टू, और दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, सेम कंडीशन में रखा, तो सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू ई, यहां पर ज्यादा करंट फ्लो हुई इसके कंपेयर में, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा थी, जिसकी कंडक्टिविटी सिग्मा वन ज्यादा था अंडर द सेम कंडीशन, सेम पोटेंशियल डिफरेंस या सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो यहां ज्यादा करंट कैरी करी इसके कंपेयर में, इसलिए कहते हैं इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर या ऑफ ए मटेरियल और डिवाइस, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। ठीक है, और ये इससे लिखते हैं, और सेमीकंडक्टर में दोनों का एडिशन, मेटल में केवल एन टाइप तो क्यू एन म्यू एन लिखते हैं। ठीक है, और यहां पे भी टेम्परेचर के साथ क्या होगा, अभी मैंने रेजिस्टिविटी का बताया था, तो मेटल में टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी घटेगी, सेम वेरिएशन एक्सट्रिंसिक में घटेगी, कैसे घटेगी मैंने अभी समझाया था, और इंट्रिंसिक में बढ़ेगी, वो मैं आपको इंट्रिंसिक पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन चीजें याद हैं तो अच्छा है। ठीक है, मेटल का याद कर लो, मेटल का वही एक्सट्रिंसिक का होता है, इंट्रिंसिक का जस्ट उल्टा, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के केस में, और उसको याद रखना बहुत ही सिंपल है, कंडक्टिविटी का इक्वेशन लिखो, वहां पे कैरियर कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर, मोबिलिटी डिक्रीजेस विद टेंपरेचर, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद टेंपरेचर, सेम एक्सट्रिंसिक में होता है और इंट्रिंसिक में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। तो ये चीजें हमने क्या क्या पढ़ लिया, मास एक्शन लॉ पढ़ लिया, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कैसे उसको बाइफर्केट करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी पढ़ लिया, तो फिर देखते हैं हम अगले लेक्चर में
इसके बाद मैं अगले लेक्चर में शुरू करूंगा बेसिकली ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या होती है, डिफ्यूजन करंट क्या होती है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्या होती है। उसके बाद हम मूव करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उस लेक्चर में वही करूंगा क्योंकि वहां डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का फॉर्मूला उसको समझना बहुत जरूरी है। ड्रिफ्ट करंट का मीनिंग क्या होता है, कब ड्रिफ्ट करंट होगी, कब डिफ्यूजन, क्योंकि यहां पर आप फंसते इसीलिए हो क्योंकि यहां पर ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन आ जाता है, तो आपको डिसाइड करना कब डिफ्यूजन होगा कब ड्रिफ्ट, तो उसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वही डिस्कस करने वाले, वो सारी चीजें आपको बड़े इजीली क्लियर हो जाएंगी। फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर एक्सट्रिंसिक की क्यों जरूरत पड़ी वहां देखेंगे, एक्सट्रिंसिक में एन टाइप पढ़ा दूंगा, पी टाइप को उसी से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, फिर एक आध दो चीजें और डिस्कस करके, फिर ये जितनी चीजें अभी तक आपने पढ़ी इसको समराइज करके फिर मैं एक क्वेश्चन सेशन करूंगा। क्वेश्चन सेशन में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव करेंगे फर्मी डिरैक और ये सब फंक्शन पे। जो फर्मी डिरैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्मी लेवल जब आ जाएगा, यही फर्मी लेवल मास कैपेसिटर में कैसे प्लॉट करते हैं डायग्राम, फर्मी लेवल में कैसे आपका ग्रेडियंट आता है, कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड में कैसे ग्रेडियंट आता है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट, ये सब फर्मी डिरैक फंक्शन के बाद में पढ़ाऊंगा। और यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये सब समराइज होगा, फिर डायोड आ जाएगा, डायोड को मैं और सिंपल कर दूंगा आपको, तो बड़े इजिली सब कुछ आप सीखने वाले हैं। तो जितना आपने सीखा इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नोट्स बनाइएगा, जो आपने नोट्स बनाया होगा उसमें कुछ ऐड ऑन करिएगा, चीजों को क्लैरिफाई करिएगा, सिंप्लीफाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू वेरी मच।